नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी टॉप 30 क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप में से जो दोस्त KVS जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें कंप्यूटर आएगा, और लास्ट टाइम में यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए हैं तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ लें। इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपके पहले से पढ़े हुए होंगे, उनकी दोहराई हो जाएगी और फ्रेंड्स अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड। तो मोस्ट क्वेश्चंस जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं वही इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का पिता में किन को कहा जाता है? ये हैं फ्रेंड्स चार्ल्स बेबेज। इन्होंने दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया था, जो ये ब्रिटेन से संबंधित थे चार्ल्स बेबेज, और इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था उसको डिफरेंस मशीन के नाम से जानते हैं। ये थे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए पहले के एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किस वैज्ञानिक का है? सर्वाधिक योगदान कंप्यूटर के विकास में ये है वॉन न्यूमॉन का सबसे ज़्यादा योगदान है कंप्यूटर के विकास में। और दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी लेडी लवलेस, वो दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? हर साल कंप्यूटर साक्षरता दिवस कंप्यूटर लिटरेसी डे बनाते हैं 2 दिसंबर को। कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस, बार बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और फ्रेंड्स, बहुत से एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? ENIAC, EDSEC और UNIVAC, ये तीनों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस तरह ये नाम थे कंप्यूटर्स के फर्स्ट जनरेशन में। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन सा पार्ट कहलाता है कंप्यूटर का दिमाग? ये है फ्रेंड्स CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? ये था फ्रेंड्स सिद्धार्थ। पहला कंप्यूटर भारत में, सबसे पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। और सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटर में डाउटफुल न हो जाना, कंप्यूटर है पहला सिद्धार्थ और सुपर कंप्यूटर है पहला भारत का परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। परम की फुल फॉर्म होती है पैरेलल मशीन, ये परम की फुल फॉर्म लिख रखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसने बनाया था परम ने, जो पैरेलल मशीन है पहला सुपर कंप्यूटर है, ये किसने बनाया था, किसने डिजाइन किया था? सी डैक एक संस्थान है भारत में जिसकी इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्द में कंप्यूट से मिलकर बनाए, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से कंप्यूटर बनाए, तो कंप्यूट से बनाए जिसका अर्थ क्या है? कंप्यूटर शब्द कंप्यूट का अर्थ क्या है? कंप्यूट का अर्थ होता है फ्रेंड्स गणना। कंप्यूट, इसको सर्च भी कर सकते हो आप डिक्शनरी में जाके, गूगल डिक्शनरी में। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, और इसी शब्द से बना है कंप्यूटर। तो ये पूछ सकता है कंप्यूटर शब्द कौन से शब्द से बना है, तो कंप्यूट से बना है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर ऑनलाइन व्यापार के लिए क्या टर्म प्रयोग करते हैं? आजकल जो इंटरनेट पर ऑनलाइन व्यापार चल रहा है उसके लिए ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ई-कॉमर्स बोलते हैं इसको। आप जो अलग अलग साइट्स पे सामान खरीदते हो अमेजन वगैरह से, फ्लिपकार्ट से, इनसे आप घर डिलीवर करवाते हो, ये ई-कॉमर्स के तहत ही आपको बाज़ार उपलब्ध करवाती हैं, ऑनलाइन बाज़ार। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कंप्यूटर की IC चिप्स इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो बनी होती हैं वह किस धातु की बनी होती हैं? ये फ्रेंड्स सिलिकॉन की बनी होती हैं। कंप्यूटर की IC चिप्स सिलिकॉन की धातु की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है, ये भारत की सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और भी कई निकनेम देते हैं हालांकि इसको, लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड है ये सिलिकॉन वैली।
और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व की सिलिकॉन घाटी, विश्व की सिलिकॉन वैली कौन सी है? कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, कैलिफोर्निया में जगह है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर जो बे है उसको विश्व की सिलिकॉन घाटी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, भारत में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, और साइलेंट वैली यानी शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में। तो ये तीनों घाटियाँ बता दी हैं भारत की मैंने, वैली ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन, ईमेल के जन्मदाता कौन है? ईमेल के जन्मदाता हैं फ्रेंड्स रे टॉमिलसन, रे टॉमिलसन ये इनका नाम है, इनको ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। और ईमेल को वर्तमान में पत्रों की जगह, जो ऑनलाइन पत्र भेजने का माध्यम है वो है ईमेल। अगला क्वेश्चन, WWW के खोजकर्ता कौन है? ये है टिम बर्नर्स ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में, WWW के खोजकर्ता ये है टिम बर्नर्स ली। और WWW की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए मैं ये आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। और कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान भाषा कौन सी है? ये नासा ने भी माना है कि कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान भाषा रहेगी संस्कृत, संस्कृत जो जिसको सभी भाषाओं की जननी भी माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? तो ये है संस्कृत। और अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, बग बग क्या है, व्हाट इज बग? ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा, कंप्यूटर की अशुद्धि होती है ये, एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम, ये होता है बग। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में तार्किक गणना होती है किस पार्ट से? कंप्यूटर में सीपीयू का हिस्सा होता है, सीपीयू के दो हिस्से होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, उसका एक हिस्सा होता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, और दूसरा हिस्सा होता है एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि तार्किक गणना करने का कार्य करता है कंप्यूटर में। अब एक और क्वेश्चन है अगला, भारत का के सर्वप्रथम कंप्यूटर पत्रिका मैगजीन कौन सी है? भारत की सर्वप्रथम कंप्यूटर पत्रिका थी फ्रेंड्स डाटा क्वेस्ट, डाटा क्वेस्ट भारत की प्रथम कंप्यूटर मैगजीन थी। और फ्रेंड्स अगले ये है फ्रेंड्स 21 का प्रश्न, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? इस शख्स का नाम था फ्रेंड्स डगलस इंगेलबर्ट, डगलस इंगेलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी को मापने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई होती है बिट, कंप्यूटर मेमोरी मापने के लिए सबसे छोटी इकाई बिट होती है, उसके बाद निबल होती है, उसके बाद होती है बाइट होती है, और उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट, और फिर टेराबाइट होती है। और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है कंप्यूटर में मापने की? तो इनको एडजस्ट करना भी पूछ सकता है कि इनको क्रम वाइज, टेराबाइट सबसे बड़ी इकाई है, जैसे कि क्रम वाइज कि ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कई एग्जाम्स में, तो किलोबाइट KMJT ये इसका ट्रिक रहेगा, किलोमीटर जिट्टी रोड, जिट्टी किलोमीटर, KM से किलोमीटर बनता है और जिट्टी से जिट्टी रोड बनता है, KMJT से आप याद रख सकते हैं, किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट और टेरा बाइट, ये इसका ट्रिक रहेगा। और फ्रेंड्स निबल के बारे में और बिट के बारे में, 8 बिट मिलाकर 1 बाइट बनाते हैं, इसके बारे में और भी डिटेल से आगे बताया जाएगा आपको, ध्यान से देखिए वीडियो को। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 और 0, बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉट XLS एक्सटेंशन का प्रयोग किसकी फाइलों के लिए करते हैं? तो MS Excel जिसमें ज़्यादातर गणनाएं की जाती हैं कैलकुलेशंस, तो उसकी फाइलों के साथ बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा जाता है? .xls। और MS Word डॉक्यूमेंट के जो डिफ़ॉल्ट फाइलें होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है? .doc। तो
तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखें, बहुत बार पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। और चार्ल्स बेबेज किस देश के थे? चार्ल्स बेबेज जिन्होंने दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया जिसको डिफरेंस मशीन भी बोलते हैं, वो थे ब्रिटेन के। ये भी एग्जाम्स में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर का नाम क्या था? डिफरेंस मशीन। डिफरेंस मशीन उसको नाम दिया गया था चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था पहला कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग की भाषा क्या थी? कौन सी भाषा थी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के में? मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज यूज की गई थी प्रोग्रामिंग के लिए पहली भाषा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में प्रथम कंप्यूटर कब और कहां पर लगाया गया था? तो फ्रेंड्स ये डेट थी 16 अगस्त 1986 को लगाया गया था। और कहां पर लगाया था? गया था बेंगलोर के प्रधान डाकघर में। बेंगलोर के प्रधान डाकघर में पहला कंप्यूटर लगाया गया था 16 अगस्त 1986 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। देश का पहला कंप्यूटरकृत डाकघर कौन सा था? ये था नई दिल्ली का डाकघर था। अगला क्वेश्चन, एक शतरंज के महान खिलाड़ी हुए हैं गैरी कास्परोव, इनको हराने वाले कंप्यूटर का नाम क्या था? डीप ब्लू। तो ये सुपर कंप्यूटर था डीप ब्लू, इसने इनको हराया था शतरंज की चालों में। अगला क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब, ये भी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? इसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का साल था 1940 से 1956 के बीच में। अगला है फ्रेंड्स, एबेकस क्या है? एबेकस एक बहुत ही प्राचीन समय में सबसे पहले कंप्यूटर का इतिहास यदि जानेंगे आप तो एबेकस का नाम होता है। प्राचीन समय में आंकिक गणना के लिए प्रयुक्त यंत्र, चीन के लोग करते थे इस यंत्र का प्रयोग प्राचीन समय में गणना के लिए। इसका चित्र कुछ ऐसे बनेगा जैसे कि ये कुछ डाल दिए जाते थे गणना करने के लिए, इनमें मन के डाल दिए जाते थे, इस तरह का ये यंत्र होता था। ये है एबेकस। और फ्रेंड्स मेमोरी मेजरमेंट की ये वो टेबल है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टेबल से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इसमें 4 बिट्स बराबर होती हैं 1 निब्बल। तो 1 निब्बल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने बिट्स के बराबर होता है। बिट्स सबसे छोटी इकाई होती है बिट, और 8 बिट्स होती हैं 1 बाइट के बराबर, और 1024 बाइट मिल के बनाती हैं 1 किलो बाइट, और 1024 किलो बाइट मिल के बनाते हैं 1 मेगाबाइट KMGB, जो कि KMGT, जो कि मैंने ट्रिक बताया था आपको, किलोमीटर जिट्टी रोड, KMGT। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं पूरी टेबल को। तो फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, और आज के क्वेश्चनों के सही जवाब भी आपको मैं दूंगा। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। और फ्रेंड्स और भी आपसे क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन के खोजकर्ता का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। हालांकि टेलीफोन के तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल हैं। और फ्रेंड्स फेसबुक की शुरुआत 4 फरवरी को किस साल में हुई थी, वो सन लिख के बताना है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे थे, उनके सही जवाब आप देख सकते हैं यहाँ पर, सभी क्वेश्चन के सही से आंसर दे रखे हैं। और पिछले वीडियो में सबसे पहले कॉमेंट आया था शैलेंद्र सिंह पूनिया का, सबसे पहले सही जवाब, उसके बाद शैलेंद्र सिंह पूनिया है, फिर सोनम द्विवेदी हैं, सोनम है, फिर रत्नेश श्रीवास्तव हैं, फिर सोम गुज्जर हैं, उसके बाद सोनम द्विवेदी के मैसेजेस हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।